हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉर्टेड स्टोरीज। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी डिलाई, या फिर यूं कहिए ठीक स्ट्रॉबेरी शेक विद आइसक्रीम। इसके लिए हम पहले स्ट्रॉबेरी शेक बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 लीटर दूध, 200 ग्राम चीनी और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर। पहले हम दूध को गर्म कर लेंगे और बॉयल होने के बाद हम इसे 15 मिनट तक बॉयल होने देंगे। अब हम 3 बड़े चम्मच मिल्क में कॉर्नफ्लावर ऐड करके अच्छे से मिक्स करके इसे उबलते हुए दूध में मिलाएंगे और 5 मिनट के लिए लगातार हिलाते हुए इसे पकाएंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर करके ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए डीप फ्रीज करेंगे। 5-6 घंटे बाद ये मिक्सचर हाफ फ्रोजन कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब हम स्ट्रॉबेरी शेक बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी क्रश और बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरीज। अगर आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आप प्रिजर्व स्ट्रॉबेरीज भी यूज कर सकते हैं। अब हम जो ये हमारा हाफ फ्रोजन मिल्क का मिक्सचर है, इसको मिक्सर जार में डालेंगे और इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश और बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरीज को डाल के कुछ सेकेंड्स के लिए ब्लेंड करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारा स्ट्रॉबेरी शेक सर्व करने के लिए रेडी है। इसे एक सुंदर से ग्लास में डाल के स्ट्रॉबेरी क्रश और स्ट्रॉबेरी से गार्निश करके सर्व करें, या फिर आप हाफ ग्लास थिक स्ट्रॉबेरी शेक को 2 बड़े स्कूप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी क्रश और स्ट्रॉबेरी से गार्निश करके सर्व करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बना हुआ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, सी यू सून।